यूपी के शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब डीएम कंपाउंड में रह रही बुजुर्ग महिला राम बेटी की हत्या कर दी गई। राम बेटी के चेहरे पर खून और जला हुआ भी है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसे तेजाब से जलाया भी गया है। मृतका की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। मामले की छानबीन के लिए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ की है। पूरा मामला कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के डीएम कंपाउंड का है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मम्मा मैं अकेले छोड़ के किसके जा रही है? मम्मा क्यों चली गई छोड़ के? माँ अकेले छोड़ के भैया मम्मा मेरी हाय मम्मी और ये लड़की हाय मम्मी नहीं आ रही। क्या मामला हो, क्या घटना हो गई? आप लोग पास हो रहे थे वहाँ कमरे पे, मम्मी गई 10 बजे रात को खाना खाने, उसके बाद 10 बजे साढ़े 10 बजे यहाँ आ गई थी। सुबह हम लोग 7 बजे सो रहे थे, सो के उठे जब तक उनके देख लिया मार दिया उन्हीं किसी ने। आप लोग घर पर उस समय मौजूद नहीं थे? घर पे नहीं थे, हम अकेली थी, डेली अकेले ही रहती थी। वो शाम को यहाँ के लकड़ी वगैरह पड़ी है तो खाने के लिए आया करती थी, इसीलिए जब तक उन्हीं किसी ने मार दिया सुबह को जिंदा नहीं मिली। तो किसके यहाँ वो काम करती थी और कितने समय से रह रही थी? मम्मी नहीं करती थी, कल हम लोग करते थे, खाना बनाया करते थे। किसके यहाँ बनाते थे आप लोग? वो नहीं, वो पीडब्ल्यू वाले शायद वहाँ बनाया करते थे। दीदी यहाँ पे करती वाले शायद थी। तो क्या लग रहा है, किसी को शक लग रहा है किसने मार दिया? कल शाम को लफड़ा हुआ था इनके बगल वाले के साथ, वो है ड्राइवर, वो ड्राइवर नहीं ठेकेदार के साथ हुआ लफड़ा हुआ था। कौन ठेकेदार? वो आता है रविंदर। अच्छा, कहाँ का ठेकेदार है? वो यही आता है, इनकी को पता कहाँ आता है वो? डीएम कंपाउंड में आता है, सारा काम वाम करवाता है। अच्छा, तो किस चीज किस बात को लेकर विवाद हुआ था? वो कह रहे थे कमरा खाली करवाएंगे, यहाँ से निकलवाएंगे, वो थोड़ा ऐसे ही लफड़ा हुआ होगा, मम्मी बहुत चिढ़ता था इसलिए रात को सो गए, रात के सोते समय हमला कर दिया गया। किसी के निशान है? उनके निशान तो ऐसे लग रहा है कोई ईंट मारी हो, नाक पे ऐसा लग रहा है, लगे गरा दावा। तेजाब पिलाने की कोशिश करी गई है, तेजाब उनके ऑटोर से जले हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि श्रीमती रामबेटी, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष है, वो डीएम कंपाउंड में जो राजकीय अलंकृत पार्क है उसके पास में जो सर्वेंट क्वार्टर है जिसमें वो रहती थी, उसमें उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर मेरे द्वारा और हमारी जो फील्ड यूनिट है उसके द्वारा निरीक्षण किया गया है और सारे एविडेंसेस लिए गए हैं और जो डेड बॉडी है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। मृत्यु का कारण जानने के लिए उसका पीएम करवाया जा रहा है और साथ ही साथ उनके घर वालों से बात की गई है। इसमें जो भी पीएम के बाद में कारण सामने आएगा उसके आधार पर और जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।